ठीक है सर मैं इखवान पे नाइनटीज़ के कश्मीर पर और अभी के कश्मीर पर एक बार आऊंगा और पहले एटीज़ के कश्मीर की कुछ बातें जिनका जिक्र शुरुआत में मैंने किया जी। जब आप आए उस समय एटीज़ में तो ठीक ठाक माहौल था आप सुना है कि सीमा के इस पार से चिल्लाते थे और उस पार से बात भी हो जाती थी स्कोर पूछ लेते थे चीनी वाला किस्सा भी सही है बिल्कुल सही है क्या आप बताइए एक बार कैसे नाइनटीन एटी थ्री की बात है एटी थ्री एटी फोर एटी मेरे ख्याल से एटी थ्री मैं वो दो साल था कुपाड़ा में तो हम लोग एल पे पोस्ट पे थे और मैं कैप्टन था उस वक्त ये तो पाकिस्तान आर्मी की जहाँ पे पोस्ट जो होती है पास पास होती हैं तो आवाज़ लगा के बात कर लेते थे ऐसे 500 मीटर दूर कितनी दूर लगी नहीं 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 500 तो बहुत ज़्यादा दूर हो गया अच्छा और पास हाँ हा, कई बार 50 फुट 50 मीटर 50 मीटर से भी कम अच्छा तो ज़ोर से आवाज़ लगाओ खड़े हो जाए तो मतलब ये सब हो जाता था उस वक्त उस वक्त तो इतनी एल पे फायरिंग एल पे फायरिंग नहीं होती उस वक्त हालात काफ़ी अच्छे किस जगह थे एल एलओसी में कुपवाड़ा में कुपवाड़ा में तो उनको पाकिस्तान आर्मी को उस टाइम उस वक्त मुझे याद है कि चीनी की जगह गुड़ मिलता था मेरे भी फादर पाकिस्तान से आए हैं पार्टीशन में जी। मुझे याद है हमारे भी बुजुर्ग गुड़ वाली चाय पिया करते थे तो जो बाय द वे आजकल वैसे हेल्थ के हिसाब से फैशन में आ रहा है जी वापस उसी जी जा रहा वापस रहा है। है। तो पाकिस्तान आर्मी में उस वक्त गुड़ मिलता था राशन में वो वो कई बार ऐसे साथ ही चीनी देते नाम बोलते थे तो चीनी मांगते थे तो हम उस वक्त हालात इतने अच्छे थे और बेसिकली हम इंडिया और पाकिस्तान के लोग हमारी बोली हमारा कल्चर बड़ा सिमिलर है कोई एक लाइन बीच में आ गई है वरना हम लोग मतलब एक दूसरे को अच्छी तरह समझ सकते हैं यानी कि ये बात हम चाइना के साथ नहीं कह सकते उनका कल्चर बोली टेस्ट खाने खाने की चीज़ें सब सब कुछ अलग है तो ये वाक्य वहाँ पर हुआ था और इसी के साथ आ, वो भी हुआ था कि एक बार किसी ने हमारे को वे भी मैंने लिखा है कि एक जे था उसने कहा कि सर आ, कि हमारी ईद है अगर मैं आपको सेवैयाँ दूँ ईद पर तो आप खाएंगे उधर से पूछा तो, उधर से उन्होंने पूछा और उसने ये भी कहा कि आ, मैं आपको मैं पहले उसमें से एक चम्मच खा आपके सामने खा लूँगा मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि आपको यकीन दिखाने दिलाने के लिए कुछ मिलाया नहीं कि कुछ मिलाया नहीं तो मेरे साथ जो कंपनी कमांडर थे वैसे सीनियर मेजर इशपाल तो उन्होंने कहा ईद मुबारक मियाँ आप हमें सेवियाँ दीजिए और आपको खाने की ज़रूरत नहीं है हम सेवियाँ खुशी खुशी खाएँगे वह एतबार बिल्कुल था उस तरह का।